अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैकरोनी इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड हैं वो हैं चिकन मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया है देन लहसुन अदरक आ, मैंने ले लिया है और प्याज़ मैंने ले लिया है एक दरमियाना साइज़ का देन ये मैकरोनी है और फिर मैंने सब्ज़ियों को भी कट कर लिया शिमला मिर्च गाजर बंद गोभी आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं अच्छा मैंने पानी बॉयल रख दिया था और पानी में अब एक जोश आ चुका है मैं इसमें अब नमक डाल दूँगी इसमें मैं डाल दूँगी टू टेबल स्पून ऑयल और मैं इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें मखरानी पूरा पैकेट में डाल दूँगी और मैंने अब इसको मिक्स कर लिया है इसको मैं दस मिनट के लिए छोड़ दूँगी बॉयल होने के लिए मेरी मेकरोनी बॉयल हो चुकी है अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी अब मैंने दूसरा पैन ले लिया और इसमें मैंने फोर टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है और अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा चिकन का कलर चेंज हो चुका है अब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप लहसुन अदरक और प्याज जो मैंने बताया था स्टार्ट में और मैं इसको मिक्स कर लूँगी अब मैं इसमें सब्ज़ी डाल रही हूँ सबसे पहले मैंने कैरेट डाला है क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है मैं इसको मिक्स कर लूँगी और पाँच मिनट के लिए गलने दूँगी गाजरों को ताकि ये थोड़ी सॉफ़्ट हो जाए एंड देन मैं इसमें बाकी अपनी रिमेनिंग जो सब्जियां हैं वो डाल दूँगी बंद गोभी और शिमला मिर्च मैं अब इसको मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं पानी डाल दूँगी ऑलमोस्ट मैंने हाफ कप डाला है शुरू में डाल दिया है और अभी मैं एंड में भी डाल दूँगी तो ये हाफ कप ही था ठीक है फिर मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी अपनी सब्ज़ियों को दैट वॉज़ ऑलमोस्ट टेन मिनट्स मसालों में मैंने लिया है नमक काले मिर्च अचार गोश्त मसाला और चिकन पाउडर ठीक है थीके? और मैंने अपनी मेकरोनी को स्टेन कर लिया है स्टेनर में रखा हुआ है अब मैं अपनी सब्जियों की तरफ आ जाऊँगी सब्ज़ियाँ मेरी गल चुकी हैं धुआँ नज़र आ रहा होगा आपको अब मैं इसमें डाल दूँगी अपनी मेकरोनी जो मैं स्टेन कर चुकी हूँ और मैं इसमें डालूँगी मसाले जो मैंने आपको बता दिए थे सबसे पहले तो मैं पहले सबसे पहले तो मैं इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे से मेकरोनी और सब्ज़ियों को ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी कि कहीं टूट ना जाए बस आप हल्के हाथ से इनको मिक्स करेंगे देन मैंने इसमें डाल दिए सॉसेस सोया सॉस चिली सॉस और विनेगर मैं डालूँगी थोड़ा सा टू टू ड्रॉप्स एंड देन चिली गार्लिक केचप है आप अपने जो जितनी हंसबे ज़रूरत है उतना ही डालिएगा मैं इसको मिक्स कर लूँगी चिकन मकर में तैयार हो चुकी है अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये मैंने डिश आउट कर लिया है और मैंने इसको गार्निश कर दिया है हरी प्याज और धनिया से इसके ऊपर मैंने ऑर्गेनो भी थोड़ा सा डाल दिया है और फिर आप इसको सर्व कर दीजिए कैचअप एंड सॉसेस के साथ ज़रूर बनाइए मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़